नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। जो लोग यूट्यूब में भी मुझे सुन रहे होंगे उन सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, स्नेह और यथोचित संबोधन। आज भी मैं आपको गुरु के बारे में ही बताऊंगा। जो थोड़ा सा नक्षत्र का हिस्सा है मैं थोड़ा बोल देना चाहता हूँ, और कुछ तो आप जानते होंगे, सो उसको मिला करके आप स्वतः ही अंदाज लगा लेंगे। लेकिन एक बात ये कहना है कि जो मैंने गुरु के बारे में पहले बताया राशि के हिसाब से, दूसरे बार बताया कि ये बहुत गुरु भी खराब हैं और शनि भी खराब हैं। देखिए कितने रिजल्ट होते जाते हैं, अंदाज लगाइए। और मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बड़े पेपर में A4 साइज में आप पूरी कुंडली बना लीजिए और उसमें आपके जहाँ जहाँ ग्रह है वो लिख दीजिए। यदि आप थोड़ा भी जानकार हैं तो वहाँ नक्षत्र भी लिख दीजिए। यदि सूरज कहीं पर है रहा तो लिख दीजिए सूरज किस नक्षत्र में है, मंगल किस नक्षत्र में है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, छोटे ही सही अक्षर में उसको लिख दीजिए। तो आपको ये पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि आकाश के ग्रह कैसे घूम रहे हैं और कहाँ कहाँ किस किस नक्षत्र को किस किस राशि को टच कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या मिलेगा। देखिए आज मैं जो नक्षत्र बता रहा हूँ गुरु का नक्षत्र के बारे में, उसमें हल्का सा जिक्र मैं नवांश का भी करूँगा, जो मैंने कभी बताया नहीं नवांश के बारे में। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत जानते हैं, लेकिन नवांश एक बड़ा अद्भुत चीज है जिसके जरिए आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। बहुत सारा चीज है इस नवांश के भीतर में, बहुत कुछ है। और इसमें पहला जो जैसे अश्विनी से शुरू होता है, तो वो नर राक्षस देवता, नर राक्षस देवता उसी हिसाब से चलते हैं। राक्षस नर राक्षस देवता, नर राक्षस देवता, ऐसे करके ये आवृत्ति होती है। एक का हुआ नर, दूसरे का हुआ राक्षस, तीसरे का देवता, चौथे में फिर नर, पांचवे में फिर राक्षस, फिर देवता। एक एक सीरियली नवांश में सभी टुकड़े के एक देवता होते हैं। और हमारे यहाँ कंसेप्ट देवता का ही है, सर्व जगत जो है ईश्वर से ही जुड़ा पड़ा है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी उनको कतई नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती है, जो भी अंधविश्वासी है नंबर वन। नंबर टू जो नास्तिक हैं, जो सोचते हैं कि 2+2=4 ही होता है, ये सत्य है, लेकिन इस 2+2 के 4 में कितनी चीजें हैं वो समझना कठिन है उनके लिए। कारण कि हमारे यहाँ जो भी वेद पढ़िए उसमें कहते हैं तत्त्वमसि, तुम ही तो हो वही ब्रह्मा, अहम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मोस्मि, ऐसे करके सारी चीज में देवता ही हमारे यहाँ छुपे हुए हैं। जिनको ये ज्ञान नहीं है, बोध नहीं, वो उनके लिए कठिन हो जाएगा। अस्तो संक्षेप में बोल रहा हूं कि ये अश्विनी नक्षत्र है, सॉरी अनुराधा नक्षत्र में अभी गुरु हैं। अनुराधा नक्षत्र, मैं थोड़ा सा गुरु अभी अनुराधा नक्षत्र में है। और अनुराधा नक्षत्र आता है 8 में, 8 राशि में। और इसके लॉर्ड होते हैं नक्षत्र के हिसाब से मंगल। और ये अनुराधा नक्षत्र जो है आकाश का जो ये हिस्सा है, ये 13°20' का जो एरिया है,
13 डिग्री 20 मिनट का जो एरिया है ये शुरू होता है, यहाँ से ये शुरू होता है 3 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक राशि में और ये एंड होता है यहाँ पर 16 डिग्री 40 मिनट में। और इसके अंदर में जो प्रारंभ होगा ये एक कन्या नवांश होता है, तुला नवांश होगा और फिर वृश्चिक नवांश होगा। यहीं तक में आपका अनुराधा नक्षत्र खत्म हो जाएगा। इसके एक चरण, दो चरण, तीन चरण करके ये चलेंगे, मैंने बड़ा करके दिखा दिया है। अब ये अनुराधा नक्षत्र में ही गुरु है, इस अंदर में ही गुरु है अनुराधा नक्षत्र में, तो इस अनुराधा नक्षत्र के भीतर जब ये ट्रेवल करेंगे, इसके भीतर जब ये ट्रेवल करेंगे अनुराधा नक्षत्र के भीतर, तो गुरु इस बादल से पार करेंगे, अनुराधा नक्षत्र के बादल से पार करेंगे। और अनुराधा बोलते हैं शनि के नक्षत्र को, इस नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं, ये जो जिससे ये पार करेंगे ये नक्षत्र है शनि का, और पार करने वाले कौन है, गुरु। गुरु होते हैं सात्विक ग्रह, और ये शनि होते हैं असात्विक ग्रह। तो विरोधाभास हो गया, बिल्कुल विरोधाभास हो गया। सात्विक ग्रह कहां से गुजर रहे हैं, तो असात्विक ग्रह से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा दाग तो लगेगा। शनि माने काला, गुरु माने पीला, तो गुरु के जो परिधान है, जो अंग वस्त्र है गुरु के, वो सब तो मैले हो जाएंगे, तो गुरु में कुछ दाग आएगा। अब जैसे हमने कहा कि स्थान हानि करो गुरु, मान ली वृश्चिक लग्न किसी का है या वृश्चिक राशि है, अब वहीं से ये शनि गुजरेंगे, गुरु गुजरेंगे, और ये शनि का घर है, तो वृश्चिक को तो ये दबाएंगे, वृश्चिक राशि को दबाएंगे या वृश्चिक लग्न को दबाएंगे। मान लिया कोई आदमी वृश्चिक लग्न का है तो स्थान हानि करो, शरीर को भी हानि करेंगे, तो शरीर को क्या हानि करेंगे और कौन हानि करवाएगा, तो ये शनि हानि करवाएगा। ये शनि, शनि विल हिट गुरु, एक गुरु को शनि हिट करेगा। तो इसके अंदर तो काली मां आ गई, ये काले हो गए, और शनि स्नायु को बोलते हैं, नर्व्स को बोलते हैं, तो नर्व्स में प्रॉब्लम देंगे। अब मान लिया चंद्रमा बहुत कमजोर है किसी के कुंडली में और उनको थोड़ा सा डिप्रेशन की परेशानी है, पहले से परेशानी है डिप्रेशन में आ जाने की, तो ये गुरु जब यहां पर आए वृश्चिक राशि में तो फायदा नहीं करेंगे, वो और नुकसान करेंगे। देखिए जैसे मैंने कल पिछली बार बताया ना कि गुरु और शनि मिलकर के हानि कर रहे हैं, भूकंप ला रहे हैं, उत्तराखंड में भूकंप भी आ गया, पहाड़ भी धस गए, बहुत सारी चीज़ें, तो ये घटनाएं घटती हैं। जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको थोड़ा यदि आप मान करके चलेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे, और यदि आप अपनी कुंडली बड़े साइज में बना लिए हैं तो आप समझ पाएंगे। तो स्नायु रोग जिनको है पहले से, उनके लिए वृश्चिक राशि के समय में आपको डॉक्टर के यहाँ जाना जरूरी है।
कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, उन लोगों को सोर थ्रोट, गले में तकलीफ हो जाएगी, ब्रेस्ट में जिनको प्रॉब्लम है कैंसरस हो सकता है, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन उसकी थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है। स्थान हानि करो गुरु, लेकिन एक और भी अजीब बात है कि इस अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, इसलिए हमने कहा कि नक्षत्र सिद्धांत बहुत जरूरी है, नक्षत्र जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट इज बिग जीरो, इट इज अ बिग जीरो। तो इस नक्षत्र के, अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी हैं, वो वैदिक रीति से इसके स्वामी सूरज भगवान है, और सूरज भगवान के एक नाम होते हैं मित्र। तो मित्र, मित्र के स्वरूप सूरज भगवान इस नक्षत्र के मालिक हैं। तो अनुराधा, सुनने में तो लगता है कि ये शनि का है, खराब है, और इसी में गुरु आ गए, बहुत सारी बातें हो गईं, लेकिन इसका एक दूसरा रहस्य है। सूरज का ये नक्षत्र है अनुराधा, सूरज अनुराधा। अब सूरज हो गए मित्र, मित्र के रूप में इसके मालिक हैं, और दूसरे तरफ से इसके मालिक हैं राधा, जो कृष्ण के भक्त थी। तो इसमें दो भगवान का निवास हो गया और आत्मा का निवास हो गया इस अनुराधा नक्षत्र में। लिहाजा ये अनुराधा नक्षत्र अपने आप में बहुत पुण्यवान है, इसलिए कहा गया है कि ये इसके स्वामी जो सूर्य है मित्र स्वरूप है। तो मित्र स्वरूप का क्या मतलब हुआ? सूरज भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं, तो मित्र स्वरूप का क्या हुआ? मित्र स्वरूप का ये हुआ, देखिए मेरा ड्राइंग ठीक नहीं है, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ये रथ है, यहाँ पर ये झंडा है भगवान सूरज का, ये रथ है, रथ पर भगवान बैठे हुए हैं, और इनके एक हाथ में कमल है, दूसरे हाथ में भी कमल है, यहाँ तीसरे हाथ में भी भगवान के हाथ में कमल है, और इनके चौथे हाथ में एक त्रिशूल है। चौथे चार हाथ है, मित्र स्वरूप जो भगवान सूरज हैं वो चतुर्भुज हैं, चार हाथ हैं उनका, और ये जिस रथ पर बैठे हुए हैं उस रथ में घोड़े लगे हुए हैं। तो ये घोड़े हो गए, सात घोड़े हैं इधर, सूरज भगवान का देखिए ये स्पेशल करेक्टर है। ये फोटो इसलिए बनाया जाता है, जो स्पेशल चीजें होती हैं वो ये कि भगवान के चार हाथ है और चारों हाथ में नील कमल है, कमल है, नॉट नील कमल, कमल का जो ओरिजिनल स्वरूप होता है वही रंग है का कमल है, और तीन कमल है हाथों में, चतुर्भुज है लेकिन तीन कमल हैं। कमल लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, देवी पर चढ़ाई जाती है, धन का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, प्रेम श्रद्धा का प्रतीक है, और सहानुभूति का है, और इसमें एक त्रिशूल है। भगवान ने अभय, भगवान के फोटो में देखिएगा, भगवान का हाथ अभय मुद्रा में रहता है, यहाँ अभय मुद्रा में नहीं है, भगवान के तीनों हाथ में कमल है और ये है, तो ये कहा ये मित्र हैं,
he is our friend. This Anuradha nakshatra is our friend. तो ये उनके लिए जो लोग व्यापारी हैं, जो एक साथ मिलकर के काम करते हैं, दो आदमी मिलकर के फ्रेंड्स, मित्रों के साथ जो मिलकर के काम करते हैं, उनके लिए ये इस नक्षत्र में किसी काम को शुभ उद्घाटन करना, खोलना, बनाना, चलाना ये बड़ा प्रिय होता है. वही नक्षत्र भी आ गया है और उसी में गुरु भी हैं. गुरु भी धन के मालिक, ज्ञान के मालिक, सब कुछ है जो आप पहले से जानते हैं. तो ये दोनों का कम्बिनेशन ये भी मिलेगा और जो हमने कहा था कि ये दुख है वो भी मिलेगा. कोई भी चीज़ इसमें न्यूट्रलाइज नहीं होता है कि ये मिल रहा है तो इसके साथ सट गया तो न्यूट्रलाइज हो गया, ऐसा नहीं होता है. तो ये निश्चित रूप से जान ली. और रोग होगा तो रोग के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि रोग थोड़ा ज़्यादा है, जैसे स्त्रियों को कुछ कष्ट अधिक हो जाएगा, मेंसेस के प्रॉब्लम हो जाएंगे और भी बहुत तरह से गुप्त रोग जो होते हैं वो सारे हो जा सकते हैं. पुरुषों के लिए भी आपको पाइल्स है, प्लीहा है, किडनी है, ये सारी चीज़ें भी आपको हो सकती हैं. सो जिनको हमने कहा है कि आपका वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है उस पर एक दो ग्रह की पाप दृष्टि पड़ रही है या पहले से एक दो ग्रह वहाँ पर पड़े हुए हैं, इसलिए हमने कहा कि A4 साइज में बनाओ और देखो कि यदि वहाँ पर गुरु हैं तो उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, 5, 7, 9 वाली कोई दृष्टि या चौथी दृष्टि या 8वीं दृष्टि कुछ भी पड़ रही हो तो आप उस पर प्रभाव समझ लो. तो जो एक हम बोल देंगे कि गुरु वृश्चिक राशि में आए तो बस वृश्चिक राशि वालों का कल्याण हो गया, वो नहीं होगा. वो क्या होगा वो आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा. तत्त्वमसि, आप ही ब्रह्म हो, आप ही ज्योतिष हो, ये चीज़ समझ लो. आपको एकदम सपाट कुंडली बनानी है. पाप ग्रह है उसी में गुरु आए तो गुरु में भी पापत्व तो डूब गया और गुरु में जो शुभता है उस पाप ग्रह को भी शुभ देंगे. तो वो जो शुभ जो पाप ग्रह है उसको जो गुरु शुभ करेंगे उसके जो दो नंबर जहां जहां है वो घर भी शुभ हो जाएगा. लिंक है, रेलगाड़ी का लिंक है, एक डब्बे दूसरे से डब्बे जुड़े हुए हैं. तो ठीक उसी तरह से ये अनुराधा नक्षत्र में शनि का आना अपने आप में अनूठा है, बढ़िया है, उत्तम है, ये जान लीजिए. अनुराधा नक्षत्र का खिला हुआ कमल से डिनोट किया जाता है, हरिणी से डिनोट किया जाता है, फीमेल डियर. ये क्या है, ये क्रिएशन को इंडिकेट करता है. तो अनुराधा नक्षत्र में यदि थोड़ा भी शुभ स्थिति बनती है गुरु की तो आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, कुछ बना सकते हो, कुछ नई चीज़ खड़ा कर सकते हो, कुछ धर्म और यदि आध्यात्म की ओर जाना चाहते हो तो आप उस ओर आगे बढ़ सकते हो. और इसके लॉर्ड शनि होते हैं, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं, विषोत्री दशा से भी 10 और 8 के मालिक मंगल हैं. और अनुराधा नक्षत्र आए तो अनुराधा नक्षत्र के 3 होते हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, ये शनि स्वामी होते हैं. तो शनि होने के कारण ये धार्मिक चीज नहीं है. देर विल बी चैलेंजेस टू ए पर्सन हु आर रियली नाइस जेंटलमैन. जो सात्विक आदमी हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते में रोड़े भी आएंगे, स्पिरिचुअल गेन करने में भी रोड़े आएंगे, अच्छे कर्म करने के लिए उस रोड़े आएंगे, कुछ परेशानी होगी. इट इज़ नॉट ए केक वॉक. लेकिन जो लोग असात्विक नेचर के हैं उनके लिए समय बहुत कठिन है. सो ब्लेसड आर दोज हु वर्शिप गॉड. वो लोग भाग्यशाली हैं जो ईश्वर के साथ हैं, ईश्वर के साथ चलते हैं, जो भी आपके ईश्वर हों, जिस रूप में भी आपके ईश्वर हैं. तो ये अनुराधा नक्षत्र कुछ दे रहा है. दूसरा, हमने कहा कि इस अनुराधा नक्षत्र का लिटरल मीनिंग ए सक्सेस स्टार के रूप में जाना जाता है, सफलता. नोट कर लीजिएगा, जो लोग नए नए सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा. हो सकता है अगले साल मैं बोलूँ ना बोलूँ, मैं भूल जाऊँ, स्मृति लोप हो जाए, थोड़ी बहुत कुछ कम हो गया तो फिर आगे साल ज़्यादा नहीं बोल सकूँगा. तो नोट कर लीजिए इन सब चीज़ों को. आप तो जो लोग बाला ज्योतिष हैं, बाला ज्योतिष की कीमत होती है. कहा गया है ज्योतिष जो जितना यंग है ही कैन गिव बेटर प्रिडिक्शंस देन ए ओल्ड ज्योतिष.
इस चीज को भी एकदम पक्का समझ लीजिए, जो सहायक है, जो ज्ञान देने वाला आदमी है, तो उसमें कहा गया है वृद्ध, जो बड़े बूढ़े हैं, जो कंसल्टेंट हैं, वो बूढ़े सही होंगे, लेकिन जो ज्योतिष हैं, वो बाला ज्योतिष, बालक ज्योतिष, जो सीख रहा है, उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, प्रोवाइडेड यू बिलीव इन गॉड, प्रोवाइडेड यू डू गुड थिंग्स, प्रोवाइडेड यू अपनी मंत्र सिद्धि कुछ करते हो, ऐसा चीज है। उसके बाद ये फ्रेंड्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ता है और बैलेंस के साथ जोड़ता है, एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना से नहीं, ये बैलेंस बनाता है इन बिटवीन टू फ्रेंड्स। यदि मान लिया सौभाग्य से किसी भी एक आदमी का अनुराधा नक्षत्र में जन्म है, तो दे विल बी गुड फ्रेंड्स फॉर पार्टनरशिप। इसका उपयोग बहुत होगा आपके जीवन में, यदि इस चीज को आप समझना चाहते हैं तो। और शनि को धर्म बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, तो नाइन्थ हाउस जो कुंडली का है वो धर्म का जगह है, और दसम भाव धर्म के कर्म को बोलते हैं। हम लोग कर्म माने जॉब वगैरह जोड़ देते हैं अपनी ओर से, लेकिन सही है धर्म का कर्म। तो धर्म के कर्म करने में बाधा आती है, इसलिए दसम भाव या दसम अंग को शनि कहा गया है, बाधा आती है। देयर विल बी लॉट ऑफ चैलेंजेस टू इंटर इनटू स्पिरिचुअलिज्म। आपको भ्रम होगा, आप गलत रास्ते पर चले जाओगे, आपके अंदर में अहंकार हो जाएगा कि मैं ही जानता हूँ। दस आपके चले आपको जय जयकार करने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि बस आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और इसी में सारे लोग जेल में हैं अभी। धर्म के अंदर में अभिमान आने से ही दुष्टता, छल कपट, प्रपंच का उसमें प्रावधान हो जाता है, लेकिन सरलता के साथ यदि धर्म को या किसी ज्ञान को लिया जाता है तो वो आशीर्वाद है भगवान का। ये सारे आशीर्वाद भगवान शंकर डमरू से ही निकला है, शब्द जो नाद ब्रह्म है भगवान शंकर के डमरू से निकला, वो आकाश में व्याप्त हुआ, वही चीज सांसों के जरिए हमारे नाभि में आया, नाभि से फिर स्पंदन होकर के वो रिटर्न हुआ, और जीव, दांत, ओठ, तालु, कंठ, इन सबों के मिलकर के शब्द बना, इसी शब्दों से मंत्र की रचना की गई, इसी मंत्र से ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है, और ईश्वर प्रसन्न हुए तो आपके सारे काम सिद्ध, आपका जीना सफल हो गया। ये एक सीक्वेंस है। तो इसमें जाता तो अभी नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ इतना ही कहा कि इसमें भगवान ईश्वर भी छुपे हुए हैं। कौन? एक तो भगवान सूरज, दूसरे भगवान हरि कृष्ण के रूप में, अनुराधा, छोटी राधा, ओ राधा, जो भगवान कृष्ण को पूरी भजती थी। तो मैंने कहा ब्लेसेड आर दोस हु हैज गॉट बर्थ स्टार एज अनुराधा एंड दे वर्शिप लॉर्ड विष्णुस फॉर्मेट इन एनी वे, एंड जिनका जो आत्मा है, द सोल है, वो पवित्र है। तो ये वृश्चिक राशि का गुरु आपको बहुत कुछ देगा नक्षत्र के सिद्धांत से, प्रोवाइडेड आपकी कुंडली में, वृश्चिक राशि में पाप ग्रह नहीं हो, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती हो। तो आज यहीं तक, फिर कभी मिलेंगे, आगे बात करूंगा। मैं थोड़ा सा स्वस्थ हुआ हूँ, पूरा स्वस्थ नहीं हुआ हूँ, बैठा नहीं जाता है घर में, ये भी एक बुढ़ापे का रोग है, यू कैन नॉट सिट टाइट। बालक और वृद्ध जो है एक ही हो जाते हैं, और कभी कभी कुछ बातें टीवी वगैरह में जो गुरुवर लोग आते हैं, वो कुछ कुछ ऐसी अजूबी बात बोल देते हैं कि लोग गुमराह हो ही जाए। तो मैं थोड़ा सा बुरा लगा, तो मैंने कहा कि अनुराधा नक्षत्र के बारे में मैंने कुछ कहा नहीं है, कम से कम अनुराधा नक्षत्र को तो एक्सप्लेन कर दूं, तो आप अपने से इसको जोड़ लीजिएगा। और जो हमने दो बात पहले बताई है आपको नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से, पहले तो आप देखिए कि भगवान गुरु अनुराधा नक्षत्र में है, तो वो आपके लिए किस हिस्से में पड़ते हैं, संपत, विपत, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक,
उनके तरफ से देखिए, यदि वो आपके लिए, आप उनके लिए साधक में पड़ते हो तो उनका आशीर्वाद पूरा मिलेगा, बाधक पड़ते हो तो नहीं मिलेगा कुछ उनका। फिर दूसरा, आप अपनी ओर से देखो, अपने नक्षत्र से भगवान गुरु का अनुराधा वाला नक्षत्र को तौलो, वो किस में आता है, साधक बाधक वगैरह वगैरह। तो यदि आप बाधक में पड़ रहे हैं तो आपको विशेष प्रार्थना करनी पड़ेगी, अधिक प्रार्थना करनी पड़ेगी। यदि आपके लिए भगवान गुरु साधक तारा में है तो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, थोड़ी झटपट झटपट पूजा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। तो वो इस तरफ से, दोनों तरफ से तौलो, पहले भगवान से आप क्या हो और आपको भगवान किस रूप में दिखाई देते हैं, उसी रूप में उसी ढंग से हिसाब से पूजा करो। ये नक्षत्र सिद्धांत वाली बात है, मैं बता दूंगा किसी दिन थोड़ा सा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप तो जान रहे हो, आप बहुत कुछ जान गए हो, एक डेढ़ साल से हमारी बात सुन रहे हो तो जान गए हो। मैं थोड़ा सा एडवांस वे में बोलना चाहता था, समय नहीं रहा, लेकिन मैं ये बोलना चाहता था कि ये जो नक्षत्र सिद्धांत के साथ आप देखिएगा, नवांश भी इसमें आ जा रहा है। अब ये नवांश क्या है कि मैं हल्का सा वानगी दे देता हूँ आपको, कहीं तो लिख के लाया था कि जैसे मान लीजिए तुला नक्षत्र में या तुला नवांश में पड़ेगा, कब पड़ेगा ये मैं बता देता हूँ। देखिए सिंह नवांश में 27/11/18 तक अभी से चालू हो गया, अभी से 27/11/18 तक ये कन्या नवांश में है, गुरु अनुराधा नक्षत्र में है और उसमें भी कन्या नवांश में है। नवांश आपको बताया नहीं हूं लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, कन्या नवांश में है। कन्या माने छह, और छह में जब गुरु जाते हैं ना तो मरियल हो जाते हैं, बड़े मुश्किल से 12.5% उनका स्ट्रेंथ रहता है, उनका दम रहता है। यद्यपि वो ज्ञान का घर है, मैं बोलता हूँ 6 नंबर यूनिवर्सिटी है, लेकिन उनके अपने शरीर के लिए, अपने वजन के लिए, अपने उनकी काया के लिए थोड़ा खराब हो जाता है। तो इस पीरियड में थोड़ा सा कम रिजल्ट, अच्छे कम रिजल्ट मिलेंगे अप टू 27/11 तक। और नर राक्षस देवता के हिसाब से ये राक्षस जोन में भी पड़ जाता है नवांश। तो जिनके कुंडली में, जिनके कुंडली में नवांश, जो कन्या नवांश है, नवांश कुंडली देख लीजिए, उसमें जो कन्या है 6 नंबर लिखा हुआ है, यदि नवांश कुंडली में 6, 8, 12 में है तो आप मियां बीवी में खटपट होगा। कब तक? 27/11/18 तक। अब आप मिला लो, प्रैक्टिकली मिला लो, नहीं मिलेगा तो बोलना, ठीक है? तो आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ञे जोहार।